हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ऑडिटिंग का, जो हमने इंटरनल ऑडिट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका आज इंटरनल ऑडिट का मेथोडोलॉजी देखेंगे। मेथोडोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक अंकेशन विधि, ठीक है। तो आज हम आंतरिक अंकेशन किस तरीके से किया जाता है, उसकी क्या विधि होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हेन द इंटरनल ऑडिट इज़ entrusted to the examine an activity, the following procedure must be adopted by it. तो देखिए, जब भी इंटरनल ऑडिट को कोई प्रक्रिया या कोई काम चेक करने के लिए दिया जाता है, या इंटरनल ऑडिट किसी चीज़ का करवाया जाता है, किसी काम का, तो कुछ इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, कुछ ये विधि अपनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, द एक्टिविटी मस्ट बी examined, मस्ट बी डिफाइंड। तो देखिए, जिन एक्टिविटी का या जिस कार्य का हमें जांच करनी है, उसे सही तरीके से परिभाषित करना चाहिए, ठीक है। हम जिस चीज़ की जांच करने जा रहे हैं या जिस भी प्रक्रिया की जांच करने जा रहे हैं, वो सही ढंग से परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड की। पॉइंट नंबर सेकेंड है, देयर आफ्टर द पॉलिसी विथ रिगार्ड टू द एक्टिविटी, इट्स प्रोसीजर एंड कंट्रोल डिवाइसेस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड वर्क फ्लो चार्ट शुड बी प्रिपेयर इन दिस रिगार्ड। इसके बाद में देखिए, जो भी काम हम की जांच हम कर रहेंगे, तो उससे संबंधित जो भी नीति, जो भी प्रक्रिया या नियंत्रण विधि होगी, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक वर्क फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसे हम कार्य प्रवाह चार्ट कहते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्डली सम सैंपल ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी शैल बी सेलेक्टेड विच शुड बी रिप्रेजेंट ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द सेम नेचर। थर्ड में देखिए, हम करेंगे कि उस काम से संबंधित जो भी व्यवहार होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, और हम ऐसे सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो सारे ट्रांजेक्शन के क्या होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम पर्टिकुलर किसी ट्रांजेक्शन या किसी काम को हम चेक कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन को हम सैंपल रूप में ले लेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, जो सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे, वो क्या होने चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं, द फोर्थ स्टेप वुड बी सब्जेक्ट टू द सेलेक्टेड सैंपल टू कंप्लीट एन एग्जॉस्टिव टेस्ट। फिर देखिए, हमने जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं, उन सैंपल की हमें क्या करनी होगी, स्टार्ट से एंड तक क्या करनी होगी, कंप्लीट जांच करनी होगी, कंप्लीट उन्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें एग्जामाइन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कई सारे वाउचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और बिज़नेस के अंदर के और बाहर के जो एम्प्लॉयज़ हैं या बाहर के जो लोग हैं, उनसे हमें कई चीज़ें यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ की। फिफ्थ, इम्पॉर्टेंट एरर एग्जामाइंड वर्क मस्ट बी सेग्रीग्रेट फ्रॉम द ट्रिफलिंग्स एंड द रीजंस देयर ऑफ, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर देम एंड देयर इल इफेक्ट्स मस्ट बी डिस्कवर्ड। हमें चेक किए हुए जो काम है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट एरर्स हैं, उन्हें जो नॉर्मल एरर है उनमें से अलग कर देना चाहिए, और इसके लिए जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है या इसके जो भी डिस इफ़ेक्ट है, उसका हमें क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। लास्टली, द ऑडिटर मस्ट प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑन हिज वर्क विच शुड नॉट बी एक्सटेंसिव। और लास्ट में क्या करना चाहिए, ऑडिटर को अपने काम की रिपोर्ट देनी चाहिए मैनेजर्स को, और वो जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, मैनेजर क्या है, बिजी पर्सन है, उनके पास ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, और रिपोर्ट इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि उससे कोई मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली ही नहीं जा सके। इसलिए एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो ऑडिटर को देनी चाहिए, ठीक है, मैनेजर्स को। अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल चेक, ठीक है, सॉरी इंटरनल ऑडिट, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं। तो इंटरनल ऑडिट की क्या सीमाएं हैं, तो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट है लिमिटेड एबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड एबिलिटी मतलब सीमित योग्यता। तो देखिए, आंतरिक अंकेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा एजुकेशनल
थोड़ा सा क्या होता है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस कम होने की वजह से जो बाहर से जो ऑडिटर आते हैं उनसे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या कहते हैं एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनल ऑडिट में हमारा जो काम हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर हुआ है, तो उनके पास क्या होती है, लिमिटेड एबिलिटी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता का क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि देखिए आंतरिक अंकेक्षण में या इंटरनल ऑडिट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो बिजनेस के ही एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं कि अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो उनके अथॉरिटी अधिकारी होते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते, मतलब वो उनके प्रेशर में, अंडर प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस का अभाव होता है, इंडिपेंडेंस की कमी होती है, ठीक है। फिर देखती है नेक्स्ट पॉइंट यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मिसलेनियस जॉब। अब देखिए वहाँ पे काम जो करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रखा हुआ होता है इंटरनल ऑडिट के लिए, लेकिन उनका काम, उनको अलग अलग काम में लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे उनको लगता है कि ये फ्री बैठे हैं तो चलो इनको ये काम दे दिया जाए, तो इनको क्या अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। फिर बात करते हैं फ्रैटर्निटी, देखिए ये इसका मतलब होता है कि जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अंदर के ही एम्प्लॉय होते हैं, बिज़नेस के अंदर के ही एम्प्लॉय होते हैं। तो बिज़नेस के अंदर के एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने साथ में काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं उनके प्रति क्या होते हैं, थोड़े से फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई गलतियाँ भी कर लेते हैं तो वो लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बात करें ऑडिट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके उनको क्या होता है कि बिज़नेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके बारे में पहले से ही सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो उन्हीं के बेस पे अपना पूरा जजमेंट कर लेता है, ठीक है, और उन्हीं के बेस पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन और या पूरी अपनी एग्जामिनेशन कर लेता है। तो इसको ही कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है इंटरनल ऑडिट की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। देखिए इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक दोनों ही एक जैसे लगते हैं, ठीक है। अब दोनों की देखिए, दोनों का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। तो देखिए द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन द इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट इज़ दैट बोथ द परटेन टू चेकिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरनल चेक का मतलब भी क्या होता है, चेक करना, और इंटरनल ऑडिट का मतलब भी क्या होता है, चेक करना। मतलब दोनों ही काम जो होते हैं वो जाँच से संबंधित होते हैं, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन फॉलोइंग वेज, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से क्या है, अलग है, ठीक है। अब देखिए किस किस मामले में अलग है। सबसे पहले तो बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, कार्य की प्रकृति के हिसाब से। तो कार्य की प्रकृति के हिसाब से देखें तो आंतरिक निरीक्षण का जो काम है वो जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे चेक करने का काम है, ठीक है, रिकॉर्ड करने से रिलेटेड काम है। जबकि जो इंटरनल ऑडिट है वो जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन करने का सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब दोनों की कार्य की प्रकृति में या नेचर ऑफ जॉब में क्या डिफरेंस हुआ कि इंटरनल चेक तो अकाउंट लिखने की या ट्रांजेक्शन को लिखने से रिलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जबकि ये जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या करता है, हमारे अकाउंट्स की, हमारे ट्रांजेक्शन की क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जामिनेशन रिलेटेड है और एक रिकॉर्डिंग रिलेटेड है। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इंटरनल चेक में देखो जांच का समय, तो इंटरनल चेक जो होता है आंतरिक निरीक्षण उसमें हम जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी समय क्या करते हैं, चेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट का काम होता है ना वो जब पूरा काम हो जाता है इंटरनल चेक का, मतलब पूरा जो अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड। तो देखिए इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक जो है वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन को लिखते समय चेक करता है, तो उस समय फ्रॉड भी उसी समय पता चल जाते हैं, ठीक है। जबकि इंटरनल ऑडिट में जो कि काम ख़त्म होने के बाद चालू होता है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट कब चालू होता है, जब रिकॉर्डिंग का काम ख़त्म हो जाता है या इंटरनल चेक का काम ख़त्म हो जाता है तब वो स्टार्ट होता है। तो उस समय वो फ्रॉड पता होते, उस समय फ्रॉड निकलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड में भी क्या है, डिफरेंस है। ये है टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली होने की जांच। तो देखिए ये जो आंतरिक निरीक्षण होता है वो ये विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली विश्वसनीय और प्रभावशाली है या नहीं है, ठीक है। मतलब इंटरनल चेक तो ये विश्वास दिलाता है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव और विश्वास करने योग्य है या नहीं है, जबकि जो इंटरनल ऑडिट है ना वो ये विश्वास दिलाता है
कि आपका जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो विश्वसनीय और प्रभावशाली है या नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शन और एडवाइजरी फंक्शन। तो देखिए, ये जो इंटरनल चेक होता है ना, वो ऑपरेटिव फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो एक ऑपरेटिव फंक्शन मतलब प्रयोजक क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, काम किया जाता है, ठीक है, चेकिंग का काम किया जाता है, रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एडवाइजरी फंक्शन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि काम ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। फिर है चेकिंग और रिव्यू। तो इंटरनल चेक में तो चेकिंग का काम किया जाता है, ठीक है, जबकि इंटरनल ऑडिट में रिव्यू देने का काम किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनर्निरीक्षण का काम। ये निरीक्षण का काम है और ये पुनर्निरीक्षण का काम है। तो निरीक्षण का काम तो आंतरिक निरीक्षण करेगा, और पुनर्निरीक्षण का काम कौन करेगा, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, ठीक है। फिर पर्सन इन्वॉल्व। तो देखिए, इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण में लेखा और जांच करने वाले इंसान वही होते हैं जो बिजनेस के व्यक्ति होते हैं, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण में जांच करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, उनका अकाउंटिंग से, रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जबकि आंतरिक निरीक्षण में काम करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो लेखा का काम करते हैं, ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, वो बिजनेस के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, जबकि ऑडिटर लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में। तो बाकी के जो ऑडिटिंग के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।